हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित, माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट सेंट्रल बैंक एंड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये पार्ट सेकंड है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड। इससे पहले मैंने पार्ट वन में कमर्शियल बैंक एंड द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में डिटेल में लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, ठीक इससे पहले वाली वीडियो में। आज की बात की और आगे बढ़ते हुए आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को कंप्लीट देखो, फुल स्क्रीन करके देखो और साथ में ईयरफोन यूज़ करोगे, ये मैं जनरली कहता हूं, तो कंप्लीट और सिंपल वे में कंटेंट को ग्रैब कर पाओगे। लेट्स मूव हेड विद मी टू डिस्कस टुडेज कंटेंट। यस स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे पहले बैंक इस्टेब्लिश हुआ था जिसको माना जाता है वो 1472 में इटली में इस्टेब्लिश किया गया था। उसका बैंक का नाम क्या था, बैंक का नाम थे डी पैसेजी डी सियाना। यस, ये नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसको ध्यान से देखो। बैंक का नाम था दी पैसेजी डी सियाना। ये इटली का फर्स्ट बैंक है जो दुनिया में इस्टेब्लिश किया गया, जिसको फॉर्मल रूप में इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा आपको सेंट्रल बैंक की बात बताऊं, जो सेंट्रल बैंक है दुनिया का सबसे पहला जो सेंट्रल बैंक है वो रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन को माना जाता है। रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन जो लगभग 1656 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन फॉर्मल रूप में इसने काम शुरू किया 1668 में इसने काम करना शुरू किया, रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन। इसके अलावा जो मॉडर्न इकोनॉमी से रिलेटेड जो आजकल बैंकिंग व्यवस्था है, इसके रिलेटेड जो बैंक सबसे पहला जो बैंक माना जाता है दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड का, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो लगभग 1694 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा जो भारत के सेंट्रल बैंक की बात करें वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे मतलब आजकल जिसको मुंबई कहते हैं उसमें है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जो आरबीआई एक्ट है मार्च 1934 में, और इसने फॉर्मल रूप में काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 1935 से, 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना शुरू किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ लगा मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल बैंक होता क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, द एपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज नॉन एज सेंट्रल बैंक, और वी कैन द एपेक्स बैंक ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे सर्वोत्तम सबसे ऊपर की जो बॉडी है जो उस देश के बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करती है उसको हम उस देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं, जस्ट लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो देश के मॉनेटरी सिस्टम को पूर्ण रूप से रेगुलेट करती है, मॉनेटरी सिस्टम को वर्किंग कैसे करना है, उसकी वर्किंग कैसे होनी है कमर्शियल बैंक के थ्रू, उसको ऑपरेट करना, ये सारा का सारा काम किसी देश का सेंट्रल बैंक करता है। स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के जो मेन फंक्शन है, जब मैं फंक्शन की बात करूं, चाहे मैं सेंट्रल बैंक कहूं, जो भारतीय दृष्टिकोण से कहूं तो आरबीआई एक ही बात है, टू इशू करेंसी नोट, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री और एनी कंट्री। किसी भी देश में करेंसी नोट को जारी करने का काम, बनाने का काम उस देश का सेंट्रल बैंक करता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई करता है। हमारे देश में 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे करेंसी नोट्स बनाने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा देश में कितने करेंसी नोट्स कब कितनी मात्रा में कैसे कमर्शियल बैंक के थ्रू अर्थव्यवस्था में सप्लाई करने हैं, कितनी सप्लाई मैनेज करके रखनी है करेंसी नोट्स की, इस सारे के सारे काम को कंप्लीटली जो इसका होल्ड होता है वो देश का सेंट्रल बैंक रखता है। सेंट्रल बैंक की एक तरह से कहें मोनोपोली है इस पर, उसका कोई कंपटीटर नहीं होता। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है हमारे देश में, जो इसका प्रॉफिट होता है आरबीआई का, हमारे देश के सेंट्रल बैंक का, उस पर पूरा जो अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का होता है। आपने सभी करेंसी नोट्स पे देखा होगा कि गवर्नर लिख के आरबीआई लिखा होता है, उस पर जो साइन होते हैं नोट पे, ताकि उसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर बनाया जा सके, लोग उसको स्वीकार करने से मना ना कर सकें, उसको पूरा ऑथेंटिकेटेड बनाया जाता है गवर्नर के साइन करके, कि उस
जो पेपर है करेंसी नोट वाला उसकी वैल्यू इतनी है, ये चीज पर श्योर की जाती है गवर्नर के साइन के द्वारा। एट प्रेजेंट जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के वो है शक्तिकांता दास, जो 12 दिसंबर 2018 से गवर्नर बन रहे हैं। उससे पहले लगातार कोई ना कोई गवर्नर इस देश का आरबीआई का रहा है, सिमिलरली दूसरे देशों की तरह। ये एक बोर्ड होता है जो पूरी तरह से काम करता है, गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर है सेंट्रल बैंक के हमारे देश की, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो देश की गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ये कंप्लीटली एक तरह से गवर्नमेंट बॉडी है बट इंडिपेंडेंट है मॉनेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट। जो देश का सेंट्रल बैंक है वो देश की गवर्नमेंट का, देश की राज्य सरकारों का बैंकर है। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है इसलिए गवर्नमेंट्स के लिए जो बैंक का काम करता है वो आरबीआई करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए एज ए एजेंट भी काम करता है देश का जो सेंट्रल बैंक है, क्योंकि सरकार के बिहाफ पर पेमेंट्स करना, रिसीव करना गवर्नमेंट के बिहाफ पर, स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये काम एज ए एजेंट आरबीआई या सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट भी है, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जो देश का सेंट्रल बैंक है वो देश की गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे अडॉप्ट करना है, मॉनेटरी सिस्टम को कैसे सर्कुलेट करना है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए आर्थिक स्तर पर हर तरह की नीतियों में जो देश का सेंट्रल बैंक है वो एज ए एडवाइजर काम करता है, सलाहकार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक। जैसे हम सभी का बैंक जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं, चाहे SBI हो, इसके अलावा PNB है या एक्सिस बैंक है या HDFC है, बहुत से बैंक हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक हैं, ये हमारे बैंक हैं आम लोगों के, बिजनेस मैन के। लेकिन जो बैंकों का बैंक होता है वो देश का सेंट्रल बैंक है। तो जो हमारे लिए जैसे हमारे बैंक काम करते हैं तो बैंकों के लिए जो काम करता है वो एज ए बैंक वो देश का सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक जो कैश को रिजर्व करके रखना है, नई नई गाइडेंस देनी है, कैश जितना भी उनके पास एक्स्ट्रा होता है उसको डिपॉजिट करवाना है, वो सारा का सारा करने का काम देश का सेंट्रल बैंक करता है बैंकों के लिए, दूसरे बैंकों के लिए। इसके अलावा सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा टाइम टाइम पर बैंकिंग सिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए बहुत से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बहुत सी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। जो देश के कमर्शियल बैंक हैं वो उस ढंग से चल पा रहे हैं या नहीं, उन सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो ले रहे हैं या नहीं, CRR है जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको मैनेज कर रहे हैं या नहीं, रेपो रेट के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं, ये सब के बारे में प्रॉपर कंट्रोल करके रखना, उस पर पूरी सुपरविजन करनी बैंकिंग सिस्टम की, ये काम भी देश के सेंट्रल बैंक का है। नेक्स्ट वन इज द कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके रिजर्व को मैनेज करना, उसकी रक्षक के रूप में कार्य करना, कस्टोडियन के रूप में कार्य करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है देश के सेंट्रल बैंक का। देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, अलग अलग देशों की जो करेंसी है उसका जो रिजर्व मैनेज करके रखना है, अपने पास संभाल के रखना है, उसको एज ए कस्टोडियन ऐसा करने का काम देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज द क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, पहले हमें समझना होगा क्लियरेंस होती क्या है। जैसे मानो मैंने चेक बैंक में जमा करवाया, मेरा अपना बैंक था मान लो SBI, जहां से चेक आया था वो HDFC का था। अब HDFC के किसी भी अकाउंट से पैसे निकल के मेरे SBI अकाउंट में आएंगे, इसका मतलब बैंकों का आपस में लेन देन होगा। बैंकों में सभी कस्टमर्स ऐसे ही लगातार चेक को ड्राफ्ट भेजते रहते हैं, कोई निकालता है, कोई किसी को पेमेंट करता है, कोई जमा करवाता है। इसका मतलब अगर एक दिन की बात करें तो शाम तक बहुत से बैंकों का आपस में बहुत से पैसे का लेन देन बन जाता है। इतना पैसा, इतने करोड़ रुपए एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने हैं, उसको इतने देने हैं, उसमें से माइनस करके सेटलमेंट करनी है। उस सेटलमेंट को करने का काम देश का जो सेंट्रल बैंक करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो कमर्शियल बैंक की आपसी सेटलमेंट, फाइनल पेमेंट्स की, चेक और ड्राफ्ट्स के रिगार्डिंग एज ए क्लियरिंग हाउस फंक्शन देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑन क्रेडिट। देश में जो साख की उपलब्धता है, उधार कितना उपलब्ध होगा, करेंसी की सप्लाई कितनी होगी, मॉनेटरी सिस्टम में मनी की सप्लाई कितनी रहनी चाहिए,
इसको पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का काम देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। सो कंट्रोल ऑन क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनी कंट्री। तो देश का जो क्रेडिट कंट्रोल है वो काम देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की आर्थिक उन्नति के लिए देश की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो पॉलिसीज हैं उसको प्रमोट करने का काम, उसको बनाकर एप्लीकेबल करवाने का काम, चाहे उसके लिए कमर्शियल बैंक की हेल्प ली जाए या गवर्नमेंट को एडवाइजर के रूप में एडवाइस दी जाए, ये काम भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ध्यान से, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है अंतिम दर्जे का देनदार। अंतिम दर्जे के देनदार का मतलब क्या होना, इसका मतलब समझो, जब भी देश की बैंकिंग सिस्टम में कमर्शियल बैंक के सामने या गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट खड़ा हो जाए, उनके लिए डे टू डे एक्टिविटीज को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाए, तो उस आखिरी पल में उनके लिए जो देनदार का काम करता है, पैसा उपलब्ध करवाता है डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस पे, वो देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा करवाया जाता है। दो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब ही यही है कि जो देश का सेंट्रल बैंक है वो देश के सभी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो कमर्शियल बैंक हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए अंतिम देनदार के रूप में काम करता है जब भी उन पर कोई आर्थिक संकट खड़ा होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज द टू कलेक्ट डेटा, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, देश के आर्थिक हालात से रिलेटेड, देश की इकोनॉमी से संबंधित कोई भी डाटा कलेक्शन का कार्य वो देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जब वो डाटा एक कलेक्ट करता है, कोई पूछता है क्यों करता है, क्योंकि उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए उसका मेन मकसद होता है देश की आने वाले समय की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना, देश की इस समय फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, देश के लोगों की इकोनॉमिक हालत क्या है, इससे रिलेटेड जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जब वो डाटा कलेक्ट करता है जहां वो गवर्नमेंट या उसके खुद के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, फिस्कल पॉलिसी क्या होगी हेल्पफुल होगा, वहीं बहुत से जो टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी वो डाटा यूजफुल होता है। तो डाटा कलेक्ट करने का काम भी देश के जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो भी सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन इज द सम स्पेशल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इन कंट्री लाइक अस, ये कुछ फंक्शन है जो हमारे जैसा देश, हमारे जैसे देश का मतलब डेवलपिंग कंट्री, हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है अगर हम उसको जानने की कोशिश करें, वो एक डेवलपिंग कंट्री की पोजीशन है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में सेंट्रल बैंक के कुछ और फंक्शंस भी हो जाते हैं, जैसे देश में लोगों को सेविंग के लिए प्रमोट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, बैंकिंग सिस्टम पर प्रॉपर कंट्रोल बना रहे, बैंकिंग सिस्टम किसी भी तरह से क्लैप्स ना हो जाए, उसको मैनेज करके रखना, ये कुछ स्पेसिफिक कार्य हैं जो कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट के बिहाव पर या उन पर कंट्रोल रखते हुए उनको एज ए एडवाइजर एडवाइस देते हुए देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बहुत से, जिसको हम मिसलेनियस फंक्शन कहेंगे या अदर फंक्शन कहेंगे, कमर्शियल बैंक के द्वारा और भी बहुत से काम किए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल करना, जो देश की समष्टि अर्थव्यवस्था है उस पर पूरा ध्यान रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना, ये काम भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। इसके अलावा जो पुराने करेंसी नोट है उनको एक्सचेंज करना नयों के साथ, ताकि पुरानों को डिस्पोज ऑफ किया जा सके, नई करेंसी कितनी और प्रिंट करवानी है, देश के जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है बजट के अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार देश में जो बजट में बजटरी घाटा बढ़ रहा है उसमें से कितनी करेंसी गवर्नमेंट की जरूरत है, वो कितनी करवाना चाहता है, ऐसे सारे डिसीजन भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर, सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम है आपको समझ लग गया होगा, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैंने दिए आज की इस वीडियो में। इसके अलावा कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शन से रिलेटेड पहले वाली वीडियो देखें। इसके साथ ही इस चैनल पर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस,
और क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक कैसे करता है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं, उनको भी देखिए। इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो और मोटिवेशनल वीडियोस भी इस चैनल पर हैं, उनको भी देखिए। और बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी, उनका इंतज़ार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।